Hey guys, Heather calls me, Danya calls me. Welcome to an amazing video of This CHM Idiots. जो हमारे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्रेस द बेल आइकन और ऑल पे क्लिक कर दें। वो लाल वाले बटन को टच करना है या लाजमी करना है क्योंकि मोस्टली टाइम जो आ गए वो इसी तरह वापस चले जाते हैं देख के और वीडियो को लाइक करके, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब लाजमी किया करें आप। आज इस वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, वो है एंड्री प्राश की इंडियन आइटम सीजन 2। ओके, इंडियन आइडल ये तरह का कुछ ये मुझे नहीं पता क्या होगा। वेल, अभी हम वीडियो देखते हैं, तो आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स डू द वीडियो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। इंडियन आइटम सीजन 2 में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसे इंडिया का हर बाप रात को 8 बजे लगा के बैठ जाता है और बेचारे बच्चों को पीयर प्रेशर में देखना पड़ता है। भले बाप की आवाज बकासुर जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हर एक कॉन्टेस्टेंट को ऐसा जज करेगा जैसे पड़ोस वाले आंटी दूसरों के बच्चों को जज करती है। वैसे ही आपको हमारे शो पे मिलेंगे वही सड़े पुराने जजेस, मशहूर फनकार मिस्टर प्राश जिन्हें सिंगिंग में ऑस्कर मिला है। अबे ये ऑस्कर क्या है, अगले साल में ओलंपिक मेडल लेके आएगा। दूसरा जज है हमारा नेहा कुकर, जिनके नाम पे एक दिन में 50 बाल्टियां आंसुओं से भरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। टीआरपी की कसम, इस साल में 100 बाल्टियां भर के जाऊंगी। ये शुरू नहीं हुआ अभी तक, बचा के रख। और तीसरे है हमारे मशहूर शायर जिनकी शायरियां सुनने वाले कान से घायल। कहां से? कान मिस्टर नागेश नंगे। पता नहीं ऑडियंस का आवाज कहां से आ रहा है, लगता है मेरे को ज्यादा चढ़ गई है। एक मिनट में मुझके आते हैं। तो चलो अपन यहाँ से कल्टी मारता है और बुलाता है अपने फर्स्ट कंटेस्टेंट को। आइए आइए, आपका नाम? You know who the fuck it is, हाँ? इसलिए तो नाम पूछा। Divide, हाँ? अच्छा, divide. गली गैंग, हाँ? अबे तू एक नाम डिसाइड करना। तुम लोग चिल करेंगे, अपन ड्रिल करेंगे, हाँ? अच्छा कारपेंटर, तेरे को तो घर पे बुलाया था, इधर क्या कर रहा है? अच्छे से बात कर। अभी क्या आरती उतारू तेरी? छोटे अच्छे से बात कर। ए, तेरे को बुला रहा है क्या? एमीवे, हाँ? हाँ, वो बाहर ऑडिशन की लाइन में खड़ा है, देख। किधर है? हाँ? एमीवे, हाँ? रुक, हाँ? लगता है किसी को पेट में 14 इंजेक्शन लगने वाले। नेक्स्ट। अरे आप तो लास्ट टाइम भी आए थे। जी नहीं। क्या झूठ बोल रहा है, तूने तो लास्ट टाइम गाया था, तेरा प्यार हुक्का बार, इसका प्यार पान टपरी। एक्सक्यूज मी, तू गेम पे ध्यान देना। ए हेलो, मैं गेम नहीं खेल रही, मेरा असाइनमेंट भेज रही हूँ। शो के बीच में कौन सा असाइनमेंट भेज रही? अरे वैसे भी ये शो वाले तो पैसा नहीं देते, कोई पिक्चर में भी काम नहीं दे रहा आजकल, तो मैं आपके लड़के बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हूँ। वो कैसे? इसमें ना आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जैसे डेटा साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट। आप किसी भी कोर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जब स्पेशलाइजेशन हो राइट, फ्यूचर होगा ब्राइट। चलो खोपड़ी में अकल तो है, मेरे को लगा सिर्फ भूसा भरा होगा। व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं, चिकन टिक्का शुरू हो जाए। आओ, दिल मेरा जैसे कोई डिश एंटीना था, फ्री का भी कोई चैनल चलता बिना था, जुड़ने ते वायर कहीं सिग्नल बिना था, तो वाईफाई राउटर बिठा देता। ऐसा लिरिक्स आता कहाँ से आपको? डीडी एंटीना है, कल बोलेगा मेरा गुर्दा रेडियो है, फेफड़े होम थिएटर है। किसी बायोलॉजी के प्रोफेसर ने देख लिया तो तेरी चमड़ी निकाल के बचे हुए कंकाल को अपनी लैब में उल्टा टांग देगा वो। गुर्दा रेडियो, फेफड़ा होम थिएटर, अरे वाह सर, क्या क्रेजी लिरिक्स दिया आपने मेरे नेक्स्ट गाने के लिए। हम गालियां भी क्रेजी देते, खाओगे? नहीं नहीं, अपन जा रहे हैं ना। आइए, आपका नाम? बादशाह। अच्छा, क्या सुनाओगे? ओके ओके ओके, हाँ माना तू है सिख, जहाँ से होना चाहिए वही से है तू थिक, ना नजरों में आ ना मुझे को तू दिख, मैं तोड़ूंगा दिल तेरा, तू ले कहीं पे लिख। अच्छा अच्छा है, अभी इसको गा के सुनाइए। सर ऐसे ही होता है। हाँ ऐसे ही होता है, मैंने भी सुना है, और मैं जानती हूँ उसको बहुत व्यूज आते हैं। हाँ मेरे पास भी कुछ आर्टिकल पड़े हैं इसके व्यूज के। अरे सर आप भी क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे, जा रहा हूँ ना मैं। चलो नेक्स्ट। यो 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 यो, सिंग अ सॉन्ग वरना गो। जी सर गाता हूँ ना, मेरे नोटिस सही है जी जी जी, क्यों पीते हो इतनी नी नी, क्योंकि तू है चिक चिक नी नी नी। नॉटी और चिकनी तक ठीक है, पीने के बारे में कुछ नहीं बोलना। सर आपको नहीं बोला गाने का लिरिक्स है। और अगर चिकनी ना हो तो सोबर मरेगा सैया जी। क्या? कुछ नहीं, तू कोई और गाना सुना ना। ओके सर। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, आज मैं वो मछली खा जाऊंगा जिसका नाम सानी है। यो 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 यो, मुझे अहिंसा को यो, आपको जानवरों पे अन्याय करने में शर्म नहीं आती? और ये सानी नाम की डिश किधर मिलती, मेरे को भी खानी है। अर्ज किया है इरशाद, सोचा तेरे पे दया करो, लेकिन तू तो जेठालाल की बबीता निकली। वाह, तेरा रैप तो दूसरी कक्षा के बच्चों की कविता निकली। यो, मैं और एक गाना गाना चाहूंगा। मैं बजाता है ना वॉल्यूम 1 पे। नहीं सर, जा रहा हूँ ना मैं। नेक्स्ट। अरे आप तो वही हो ना, कंकड़ पत्थर। ए मेरा भाई है वो, टोनी कुकर। अच्छा अच्छा, ये सर पे चिपकली क्या कर रही है? जी ये मेरी हेयर स्टाइल है। अच्छा सुनाओ, क्या सुनाओगे? टी माइनर। ये ले सा कुर्ता पजामा काला
कुर्ता पजामा काला काला हो गएगा ना। तेरा भाई क्या मनीष मार्केट में कपड़ा बेचता था? नहीं। तो ये क्या है? ऐसा तो कोई भी गा सकता है। गटर का पानी काला 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 काला, नागू का कच्छा पीला 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 पीला। सर और एक सुनोगे? भाग। बेबी तेरी पुट्टी 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 पुट्टी। ये तेरा भाई लैग हो गया, चप्पल छूंगा। पुट्टी शेक हो गया? हाँ सर। अबे तू गाना गा रहा है या चुतिया बना रहा है? वो वॉशिंग पाउडर के एयर में भी इससे ज्यादा लिरिक्स होते हैं। नेहा जी का बवासीर लाए हो शो पे? अगर आपने मेरे भाई को सिलेक्ट नहीं किया तो मैं शो छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ तो जाना, 50 रुपए बच जाएंगे हमारे। 150 में तो श्रेया का घोसला आ जाता है। इसकी माँ का घोसला। जाओ। नहीं नहीं, सीजन खत्म करूंगी मैं। अरे यार करो ना, करो ना। क्या सिलेक्ट करो ना इसको। नेहा जी इस शो पे हम नेपोलियन की चलने नहीं देंगे भाई। नेपोटिज्म। हाँ जो भी है। ए तू क्या देख रहा है, निकल यहाँ से। आपका नाम सैमी। ये सुकड़ू क्या गाना गाएगा? जैसा ते सोचे है वैसा तो नहीं मेरा भाई। मेरा गाना करा फुल कड़क होए भाई। चंपार पारो में भरक होए भाई, और शिमला का वादी में बर्फ होए भाई। गाना गाया यार, एकदम छाती में घुसा। छाती में ना किया कभी अपनी शायरी पे घमंड। तेरे गाने का हर एक शब्द जैसे डायमंड। मैं तेरा इंडिया, तू मेरा साइमन। साइमन गो बैक। क्यों बे? छी क्या गंदा गाना था। चुप रहे, मेरे तो आंखों में आंसू आ गए आंसू। कितने प्यारे लिरिक्स थे गाने के। तेरे अब्बा की लुंगी में केला मिलेगा। आजकल किधर दिखाई देती है ऐसी सच्चाई गानों में। तू सिलेक्ट है मेरे भाई, सीधा ग्रैंड फिनाले। ए कैसे सिलेक्ट है, मेरे को नहीं पसंद आया। भाड़ में जाना। जाना 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 जाना। जा रही हूं मैं शो छोड़ के अपना बिजनेस करने। मेरे किशोर कुमार जैसे आवाज वाले भाई को भी सिलेक्ट नहीं किया आप लोगों ने। सर आप टेंशन मत लो, आप तो सिलेक्ट हो। ग्रैंड फिनाले आओ सीधा। 6 months later। नागू आता मैं कुट भीख मांगू। अबे तेरे वजह से तो वो नेहा कुकर भाग गई, उसके साथ टीआरपी भी भाग गई, टीआरपी के साथ हमारे स्पॉन्सर भी भाग गए, और उसके साथ हमारी किस्मत भी मिडल फिंगर दिखा के भाग गई। वो पापा की लुंगी को ग्रैंड फिनाले में भेजने की क्या जरूरत थी? उसके वजह से वो बुड्ढे लोग आके स्टूडियो तोड़ के गए। अच्छा हुआ हम लोग भाग गए, नहीं तो हमें तोड़ देते। कुकर का फोन। हेलो, कैसा चल रहा है तुम्हारा शो? अबे काहे का शो, स्पॉन्सर भाग गए। रोज झाड़ू मारने आते हम लोग इधर। मैं करती हूँ ना तुम्हारा शो स्पॉन्सर। अबे 200 रुपए में शो स्पॉन्सर नहीं होता। अभी मैंने अपग्रेड पे अपना बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स खत्म करके आज मल्टीनेशनल मार्केटिंग की सीईओ बन चुकी हूँ। फकीरों, ऑफर लेना है तो लो वरना भाड़ में जाओ। हाँ चाहिए चाहिए, ऑफर क्या है? 150 रुपए दूंगी महीने का, और टोनी कुकर फिनाले में जीतना चाहिए। मैं तुझे 200 दूंगा, उसको किसी कुएं में क्यों नहीं ढकेल देती तू? Excuse me. तुझे आई चाहिए, excuse me. मैं रास्ते पे भीख मांगूंगा, लेकिन ये शो कभी नेपोलियन के हाथों बिकने नहीं दूंगा। हेलो फोन। भाई नेपोलियन नहीं। तुझे नेपोलियन की चापलूसी करने किसने बोला है? काम करना अपना। नागू अपग्रेड का लिंक भेज। अगर आपको ये शो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। अगर आपको हमारी तरह बेरोजगार नहीं बनना है तो अपग्रेड पे अपने चॉइस के किसी कोर्स में स्पेशलाइजेशन करके अपना करियर बना लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। नागू बाटली दे। एंग्री प्रैंक, कितने मजे की फनी है। प्रैंक प्रैंक नहीं, इसको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं लाइव रोस्टिंग ना, ये ना फनी वीडियो ही कहेंगे। कार्टून्स के अंदर मुझे तो नेहा कक्कड़ का ज्यादा अच्छा लगता है। उसकी किसी स्माइल नीचे मुंह लाल हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, कहते हैं टोनी कक्कड़ गलत गाना भी कहते हैं। प्यार सारे जबरदस्त करेक्टर्स थे, और एक एक सीन बहुत मजे का था ना। और डिवाइन भी आता है, बाजा भी आता है, यो-यो भी आता है, एमी में ऑडिशन के लिए आने वाला था। प्यार, मुझे किसी ने कहा था कि आप एमी प्राश की वीडियो को रिएक्ट करो। मुझे नहीं पता था कि इतनी फनी होगी। हम लोगों ने आज पहली बार इनके चैनल की इस वीडियो को रिएक्ट किया। बहुत ज़बरदस्त, लिटरली बहुत ज़बरदस्त। एक ऐसा कंटेंट आया कि जिसको लिटरली फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है। हाँ। विदाउट एनी गाली ग्लोच और विदाउट एनी ड्यूअल मीनिंग, मतलब तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो। ड्यूअल मीनिंग नहीं थे इसमें, और ज़बरदस्त वीडियो थी। और यार इसको क्या कहेंगे, वो जो रोस्टिंग की है इसने, क्या टोनी कक्कड़ की कार्टून में रोस्टिंग नहीं, मुझे नहीं लगता ये रोस्टिंग है, फनी वीडियो है। लेकिन देखो यार, मतलब शुरू में बोलते थे ना कि एंटरटेनमेंट पर्पज से ले लिया जाए, जो इसको सीरियस ना लो। तो हम लोग भी आपको यही कहना चाहेंगे इसको सीरियस ना लो, क्योंकि मोस्टली लोग सीरियस रह जाते हैं और सीरियस लेना नहीं चाहिए। अब ऐसा ऐसा मे भी रोस्टिंग वाली साइड के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, हमारा चैनल आ रहा है ऐसा ऐसा, तो बहुत से लोग अफेंड हो जाएंगे। तो अफेंड नहीं होना अपना, इसको हम लोग भी इंजॉय करें। हाँ, आप लोग ले जाते हो ना रोस्टिंग को, अभी तक रोस्ट हो जाते हैं। हाँ ये रोस्ट हो जाती है, हाँ इस वीडियो से तो नहीं, मैं तकरीबन शुरू में देखता था रोस्टिंग में रोस्ट हो जाता था। अब मुझे आदत हो गई रोस्टिंग की, रोस्टिंग का मुझे मीनिंग समझ आ गया। उसका मकसद ये होता है आपको रोस्ट करना, और अगर वो रोस्ट करने में कामयाब हो जाए और वो आप
बारबेक्यू हो जाती है उनका काम ही रोस्टिंग का नेम ही है कि आपको रोस्ट करना, और आपका काम ये होता है कि हमने रोस्ट नहीं होना, आपने चिल रहना है, लेकिन अब तो नहीं होता, तुम हो जाती हो तो ये तुम्हारी फेवरेट है नेहा कक्कड़ ना, लेकिन इन्होंने नेहा कक्कड़ को फन वे में किया है, हालांकि हम फैंस हैं, हाँ हम खुद नेहा कक्कड़ के फैंस हैं, मोस्टली गाने नेहा कक्कड़ होते हैं, लेकिन फनी अंदाज में इन्होंने किया, जो सिंगर्स नेहा कक्कर टोनी कक्कर हाँ, और जो जो ऑडिशन के लिए आया ना, ऐसा बादशाह भी आया, योयो भी आया, उनके फैंस ने कि इन्होंने उसको भी एक कॉमेडी और फनी वे में, नेहा जी हाँ, जाती है कि सब कुछ खत्म हो जाता है, मिमिक्री, इसको मिमिक्री कहेंगे, मिमिक्री कहते हैं किसी की नकल उतारना, लेकिन इन्होंने थोड़े दूसरे फनी स्टाइल से नकल उतारी है मिमिक्री की, तो मुझे बहुत पसंद आई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तुम क्या कह रही थी नेहा कक्कड़ का? नहीं तुम्हें अब याद भी नहीं होगा वो तरीके अब बात थी। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें, और सब्सक्राइब करने के बाद प्रेस दी बेल आइकन। सो गाइस मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, उस तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, ओके टेक केयर।